हेलो एवरीवन, वी आर बैक विद अनदर वीडियो। इट्स मी आयला खान। इट्स मी आयला खान। फ्रेंड्स, याना जी की वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, जिसमें वो कश्मीर के बाजारों में हमें बताएंगे कि क्या रेट्स हैं, और साथ साथ वो पाकिस्तानियों के लिए भी अपनी हमदर्दी दिखाएंगी कि देखो पाकिस्तान में कितनी चीजें एक्सपेंसिव है और कश्मीर में इतना सस्ता क्यों है, सरकार किस तरह से मैनेज कर रही है, आटा, चीनी, घी, सब्जी, दालें, फ्रूट्स के क्या प्राइसेस हैं, ये तो वीडियो देख के ही जान पाएंगे। बट स्टार्ट करने से पहले काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक करें, इंस्टा पर भी जल्दी से फॉलो करें। चलो स्टार्ट द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, खैर मकदम है आप सबका TRK न्यूज पर। तो हमें खबर आई है कि माह रमज़ान के मुबारक मौके पर पाकिस्तान में जो है फूड प्राइसेस 45% इंक्रीज हो चुकी हैं। ये बहुत ही अफसोस की बात है। और मैं इस वक्त पहुंची हूं भारत के कश्मीर के सब्जी मंडी में, और हम यहां पर पता करेंगे कि क्या यहां भी माह रमज़ान में कश्मीर में भी, भारत के कश्मीर में भी क्या सब्जियों के रेट्स इंक्रीज हुई हैं, क्योंकि ये एक जुल्म की बात है दोस्तों। बहुत ही अफसोसनाक बात है कि जो हमारे मुसलमान भाई बहन POK में हैं, वो किस कदर महंगाई के नीचे दबे हुए हैं और उनकी ये जो तकलीफ है वो हमसे देखी नहीं जाती। तो हम थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे कि क्या भारत के कश्मीर में भी क्या ऐसी हालात हैं कि यहाँ भी प्राइजेस जो हैं सब्जियों की वो इंक्रीज हो चुकी हैं, या सेम है या घट चुकी हैं। हम यहाँ पर कुछ सब्जियों की प्राइजेस और फूड रेट्स पता करते हैं यहाँ के शॉपकीपर से बात करके। तो आइए हम सब्जी मंडी के कुछ नज़ारे भी देखते हैं और लोगों से बात भी करते हैं। चलिए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। माह रमजान मुबारक छुए। खैर मुबारक। तो बह का तो के सवाल पूछे तो अस्करा उर्दू मंजिकात क्या इसकी सॉरी बोजन एंड ये मंशना कशर तागा की। ओके ओके। तो आप मुझे बताइए कि ये बटमालू सब्जी मंडी है श्रीनगर का। जी जी। आप मुझे बताइए कि यहाँ पर ये आलू का क्या प्राइस है, इस प्याज का क्या प्राइस है, जरा बताइए। ये आलू है वाइट वाला, जलंधर वाला, ये बेचते हैं 100 का 6 किलो, हो गया 16.5 रुपए किलो। हाँ 16.5। और प्याज, प्याज है ये नासिक वाला, ये बेचते हैं 100 का 4 किलो, हो गया 25 रुपए के जी। 25 रुपए। हाँ टमाटर का प्राइस बता दीजिए, यहाँ पे इतने फ्रेश और इतने ये फ्रेश टमाटर। टमाटर है 100 का 3 किलो, समझो 30 रुपए से 1-2 रुपया ऊपर है, तो 30-35 रुपए किलो होता है टमाटर। आप मुझे बताइए क्या माह रमजान में कश्मीर में आपको ऐसा लग रहा है कि सब्जियों के दाम बढ़ चुके हैं? सब्जियों के दाम तो बढ़े हैं, लेकिन आप आ रहे हो यहाँ पे, लेकिन जाना चाहिए मंडी में होलसेलर के पास। हम तो 2-3 रुपए के मालिक है, वो तो बड़ा घोटाला मंडी में जा रहा है जी, हम लेकिन फिर भी आप अपने ही प्राइस के हिसाब से बताइए कि रमजान से पहले क्या रेट्स कम थे और रमजान में रेट्स बढ़ चुके हैं? कुछ आइटम में सेम रेट है, कुछ आइटम में बढ़ गया है रेट। और कितना ज्यादा बढ़ा है, अगर बढ़ा भी है तो मटर है ये रमजान से पहले था 100 का 4 किलो, 25 रुपए किलो, आज है ये 80 रुपए किलो। अच्छा 80 से 80 हो गया, 80 हो गया। वैसे ये पीन है, ये था रमजान से पहले 30 रुपए किलो, ये आज है 70 रुपए किलो। ये कौन सी सब्जी बताइए? राजमा। अच्छा अच्छा। तो दोस्तों यहाँ पर हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ भी प्राइसेस इंक्रीज हुई है, अलबत्ता इतनी भी नहीं जितनी कि हमारे जो भाई बहन उस पार हैं वो अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा। क्या आपको पता है कि पार के जो हमारे भाई बहन हैं वो भी मुसलमान हैं, वो भी रोज़ेदार हैं माशाल्लाह, लेकिन क्या आपको पता है कि वहाँ पर प्याज 140 रुपये किलो और टमाटर लगभग 150 रुपये किलो की मिल रही है? आपने सुना है रेट? आपने सुना वहाँ का रेट इतना बढ़ गया? दिल्ली में मैंने सुना रेट बढ़ गया है जी। नहीं मैं पार वालों की बात कर, वो भी हमारे जैसे जो हैं, वो भी जी आप ये माइक ले लीजिए, तो जो पार वाले वो भी हमारे, वो भी कश्मीरी हैं, हालांकि वो कश्मीरी बोलते नहीं है वो, मगर वो है तो इसी रियासत के। उनके साथ भी, उनके साथ बहुत जुल्म हो रहा है, उनके यहाँ जो है सब्जियों के रेट बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। आप सोचिए 150 रुपए वहाँ की रेट, टमाटर चढ़ गए
जी तो बाहर वालों की रेट आसमान ऊपर, तो आपके वो भी रमजान में तो और भी बढ़ा दिया है, तो आप कुछ कहना चाहेंगे उनकी गवर्नमेंट को कि किस तरह वो सब्जियों के रेट कम करें लोगों की? जिस तरह यहाँ होता है माह रमजान में उतना मुनाफा हम रखते ही नहीं जितना रखना चाहिए। हम 2-3-4 रुपए रखते हैं अपने लिए, उनको भी ऐसा ही करना चाहिए। और वहाँ की गवर्नमेंट को पहले ये सोचना चाहिए कि ये माह मुबारक है, बरकतों का महीना है, इसलिए इनको ये सोचना है जैसे हम कमाते हैं 2-3 रुपए, उनको भी ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन वो मतलब आप कह रहे हैं मुनाफा कम होना चाहिए, कम होना चाहिए, कोई और तरीका नहीं है जिससे वहाँ पे सब्जियों के रेट्स उन बेचारों को कम हो? ये तो गवर्नमेंट बतानी चाहिए, वैसे आम गरीब इंसान कैसे बचेगा? वो अमीर की बात छोड़ो, जो 70-80 लाख रुपया कमाता है महीना उसकी बात छोड़ो, जो 400-500 दिन में कमाता है, शाम को खाता है, उसका सोचना है। वो तो गवर्नमेंट को उस पर कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है, तो हमारे यहाँ जो भाई हैं बटमालू सब्जी मंडी में, उनका ये कहना है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को पाकिस्तान की आवाम का ख्याल रखना चाहिए, खास करके जो हमारी रियासत की का हिस्सा है उस तरफ, उनके लिए जो मुनाफा होता है सब्जियों पर वो कम होना चाहिए, खास करके माह रमज़ान में, ये इनका कहना है। और जाहिर सी बात है कि हमें बुरा लगता है हमारे वो जो रोज़ेदार भाई बहन है वो किस तरह इन्फ्लेशन और महंगाई के तले दबे हुए हैं इस वक्त। चलिए हम और पता करते हैं कि यहाँ पर आटे चावल दाल और इन सब चीज़ों की रेट्स क्या चल रही है। तो नाजीन अब हम आ चुके हैं चिकन सेलर के पास इसी मार्केट में, अब हम इनसे पता करते हैं कि चिकन की क्या प्राइसेस चल रही है कश्मीर में। अस्सलाम वालेकुम जनाब, माह रमजान मुबारक छू सर ने। मुझे आपसे ये पूछना था, हम जरा अस्करा उर्दू मस्कात, मुझे आपसे ये पूछना था कि चिकन की इस वक्त क्या रेट्स चल रही है? इस वक्त तो 130 चल रही है बॉयलर की, 140 चल रही है पैरेट की, 100 रुपए लेयर की। अच्छा, एक ही रेट नहीं, आज तो डाउन रेट, आज से 10 रुपए उतर गया, कल 140 था बॉयलर, आज डाउन हो गया। अच्छा, बेसिकली रमजान में प्राइसेस उतरे हैं या बढ़े हैं? इसमें कोई भरोसा नहीं होता है, फिलहाल तो वही है, एक दो दिन में देखेंगे क्या रेट, फिलहाल वही है जैसे पहले था रमजान। तो 140, 150, 130, 140 मुझे आपको पूछना है कि बॉर्डर पार जो है वो 750 रुपए किलो है चिकन, वो भी माह रमजान में, तो आप क्या कहना चाहेंगे वहाँ की गवर्नमेंट को कि चिकन के प्राइस कैसे कम कर सकते हैं वो, ताकि वहाँ के लोगों को जो है जो बॉर्डर पार है ना उस तरफ की रियासत जो है हमारी रियासत जम्मू कश्मीर जो उस तरफ है उनके यहाँ पे 750 रुपए किलो है चिकन, तो जाहिर सी बात है वो भी रोजेदार हैं और ऐसे माहौल में उनको इतनी महंगाई उन पर हो रही है, तो आप क्या कहना चाहेंगे गवर्नमेंट को कि कैसे वो रेट्स कम करें चिकन? ये तो हम तो अपनी स्टेट की बात कर रहे हैं, हमें तो उधर के मॉल में वहाँ कैसे पे पहुँचते हैं क्या करके कम करें, हम तो अपनी स्टेट की अपने मुल्क की बात कर रहे हैं। ठीक है, आपका कौन सा मुल्क है? हमारा तो थोड़ा इंडिया ही। अरे वाह जियो। चलो तो दोस्तों आप लोगों ने देखा ये क्या कह रहे हैं कि हम अपने स्टेट की बात करेंगे, हमें कुछ खास पता नहीं है कि वहाँ हो क्या रहा है चल क्या रहा है, लेकिन क्योंकि हम न्यूज बिजनेस में तो हम ये चीज़ समझते हैं और जानते हैं कि वहाँ हमारे भाई बहन जो है माह रमजान में जो है उन पर कितनी तकलीफ हो रही होगी, उनको इतनी महंगाई में 750 रुपए केजी चिकन, जबकि यहाँ पर सिर्फ 150 तक केजी चिकन मिलता है, पूरा फुल चिकन मिलता है। तो ये कुछ चीजें हैं। अब आइए हम आटे दाल आटे चावल की इनकी भी प्राइसेस पता करते हैं इस मार्केट में। मुझे ऐसे मार्केट में जाके ना ग्रोसरी करनी है, तो मैं साफ सुथरा भाई से एक और हमारे यहाँ चिकड़ी जाए, मेरी अपनी जूती सारी गंदी हो गई, ये आ गए ग्रोसरी सारे। अस्सलाम वालेकुम जनाब, माह रमजान मुबारक छू। तो अच्छा, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ जी, आप मुझे बताइए कि क्योंकि आप डीलर हैं यहाँ पर आटे दाल चावल और इन सब चीज़ों की इस मार्केट में, यहाँ पर तो सब कुछ मिलता है माशाल्लाह, तो आप कितने सालों से डीलर हैं इन चीज़ों में?
कम से कम यहाँ से मैं 20-25 सालों से बैठा हूँ। ओके, आप ये बताइए कि आज 2023 के माह रमजान में क्या प्राइसेस चल रहे हैं, आटे का क्या प्राइस है? आटे का अभी 32 रुपीस पर केजी। जी, और क्योंकि अच्छे ना आटा खेवान के ज्यादा हम ज्यादा खाते हैं चावल और ये सारी चीजें, तो आप चावल का भी रेट बता दीजिए क्योंकि कश्मीरी चावल ज्यादा खाते हैं। नहीं, कश्मीरी ज्यादा नहीं चलता है, इधर बाहर का ही चलता है ज्यादा। तो वो पर केजी आता है 28 रुपीस पर केजी। 28 रुपीस, क्या आपको अंदाजा है कि जो रियासत जो पार है, हमारी जो रियासत एक हिस्सा पार में है, वहाँ पर माह रमजान में वहाँ के जो लोग हैं वो महंगाई से लाचार हैं, और वहाँ पर आटा जो है 150 रुपए के जी में बिक रहा है और चावल जो है 450 रुपए के जी। तो क्या आप वहाँ की गवर्नमेंट को कुछ मैसेज दे सकते हैं कि किस तरह से इनकी रेट्स कम किए जाएं ताकि वहाँ के लोगों को थोड़ी राहत मिले, खास करके माह रमजान? मतलब ये जो हमारा हमसाया मुल्क है, आप उसकी बात कर रहे हो? जी, नॉट हमसाया मुल्क, बट जो हमारी रियासत का हिस्सा उनके पास है, मैं उस पीओके की बात कर रही हूँ। वहाँ के लोग लाचार हो चुके हैं महंगाई के अंडर, उनकी बात कर रही हूँ कि वहाँ पे रेट्स कैसे कम किए जाएं, वो आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? एक्चुअली उधर जो गवर्नमेंट है उनको देखना चाहिए कि असल में लोगों का फायदा कैसे हो जाएगा, क्या करना है। अभी मैं इधर की बात बोलूंगा, अभी तेल में रेट उतर रहा है। हाँ जी, हाँ जी, तेल में रेट उतर रहा है और लोग भी खुश हो रहे हैं। अभी कम से कम 15 किलो वाले टीन में अभी 300-400 रुपया अभी कम हो रहा है, तो इससे लोगों को भी फायदा हो गया, लोग खुश हो रहे हैं, पब्लिक खुश हो रही है, तो हम भी खुश हो रहे हैं। नहीं, उतरना चाहिए, कम होना चाहिए इसमें। आपको लगता है कि माह रमजान में कम किया गवर्नमेंट ने रेट्स, या बढ़ गए या उतने ही हैं जितने माह रमजान से पहले? माह रमजान में तो रेट तो उतर रही है, खाली थोड़ा बहुत वो डेट्स का रेट चढ़ गया, खजूर का, तो बाकी उतर रहा है रेट, क्योंकि वो तो हम इम्पोर्ट करते हैं शायद उस वजह से। हाँ जी, बिल्कुल। थैंक यू सो मच, आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी हमें। तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो रेट्स हैं वो किस कदर हमारे कश्मीर में कितनी सस्ती चीज़ें मिलती हैं, चाहे आप आटा दाल चावल की बात करें, सब्जियों की बात करें, फिर आप चिकन की बात करें, तो ये सारी चीज़ें जो है नेसेसिटीज़ हैं रोज़ेदारों के लिए, खास करके उन पर ऑलरेडी जो है गर्मी के मौसम में, इस वक्त इस साल जो है रमज़ान आया है और गर्मी के मौसम में ऑलरेडी वो रोज़े रख कर वो जो है उन पर ऑलरेडी इतनी मशक्क़त है, ऑन टॉप ऑफ इट उनको इस तरह महंगाई के नीचे उनको इस तरह से दबा के रखना, ये बहुत ही गलत कर रही है जो हमारे पार की जो गवर्नमेंट है, हमसाए मुल्क की गवर्नमेंट है, ये लोगों के साथ बहुत ही जुल्म और ज़्यादती हो रही है माह रमज़ान में। और जैसे आपने सुना कि कश्मीर के लोग भी चाहते हैं कि वहाँ के लोग जो है उनको थोड़ी सी राहत मिल जाए और गवर्नमेंट उनके लिए कुछ करे। सो थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। जय कश्मीर, जय हिंद। फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो, और सबसे पहले मैं ये बात करूंगी, मैं इंडिया के कोई सा भी बाजार देख लूं, सफाई बहुत ज्यादा थी, मैंने कहीं पे गंदगी के ढेर नहीं लिखे होते ना, सब्जी वाले जो उनकी बेकार चीजें होती हैं सड़क पर फेंक देते हैं, लोग भी इधर उधर की बड़ी गंदगी फैलाते हैं, बिल्कुल साफ सुथरा था। और कहते हैं ना, सफाई निफ्स ईमान है, मतलब अगर आप ईमान वाले हो तो आपको साफ होना जरूरी है, और ये मतलब हमारी रेपुटेशन बहुत ज्यादा है कि सफाई निफ्स ईमान है, तो मुझे वहां पर बहुत ज्यादा सफाई दिखती है। और इसके अलावा एक हम वेजिटेबल ब्लॉग अक्सर डाल देते हैं, वहां उनकी मंडियां भी बड़ी साफ होती है। तो इसका मतलब ये है कि भारत में जितनी पॉपुलेशन है लेकिन उसके साथ साथ सफाई भी बहुत ज्यादा है। अब बात करते हैं मार्केट की। भारत में कोई चीज जितनी मर्जी महंगी हो जाए ना, हर 25 रुपए हो जाता है, 25-30 के बीच रहता है। नायला बार बार कह रही थी, यार एक टाइम था हमने भी इस रेट पे खरीदा। हाँ, हमने डेफिनेटली खरीदा, हमने टमाटर 2010 में 11-12 नहीं 17-18 में भी ये रेट था, 20-30-25 सीजन जब होता है। अब जैसे उनके मटर 80 के हो गए, हमारा भी सीजन आउट हो गया, हमारे यहाँ 250 के मटर है अब। इसके साथ साथ जिससे उन्होंने फ्रूट्स की बात की, खजूर की बात की, खजूर यहाँ पर भी 400 की खजूर 1200 की है। चिकन की बात की, ब्रायलर मुर्गी यहाँ पर 750 रुपए है। तो हमारे यहाँ तो इतनी महंगाई है दोस्तों कि आम बंदा परेशान है, लोग टेंशन के मारे बहुत जल्दी बूढ़े हो रहे हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है जिसको मैंने 4 माह पहले देखा होता है एकदम मेरे सामने, तो मैं कहती हूँ हाँ तुम्हें क्या हो गया, एक कम खुराक होती है, कम खुराक ज्यादा टेंशन की वजह से लोगों के चेहरे के रंग उड़ गए, वो लोग ही नहीं रहे। अब मैं जिसको देखती हूँ वो एक परेशान, एक नया इंसान दिखता है, वो दुबला पतला टेंशन वाला, एक बड़ा सीरियस, वो जो खुशी थी लोगों की कहीं ना कहीं चली गई है। और रमजान जब आता था लोग इतने एक्साइटेड होते थे, फ्रूट्स लेके आ रहे होते थे, चिकन और या कोल्ड ड्रिंक्स, मतलब कितना सब कुछ वो लेके आते थे,
लेकिन आज अब का जो मैं रमजान देख रही हूँ अजीब ही किस्म का लग ही नहीं रहा। जब रमजान होता था हम अपनी फूड स्ट्रीट्स देख रहे हैं वहां पे समोसे ले कोई कचोरियां, मतलब कि हर चीज मतलब कि बिकती थी। और अब उस दिन हम बाजार गए, हम लेट हो गए, हमने देखा समोसे बेचारा वैसी समोसियां कचोरियां वैसी हैं, दही भल्ले वैसी हैं, कुछ चंद लोग थे जो आके ले रहे थे, ज्यादातर रश नहीं था और बाजार बिल्कुल सुनसान। और यही बाजार हुआ करते थे जब हम जाते थे, इतना रश होता था मैं परेशान शायला कहां से निकले। और उस दिन हम गए सुनसान, ऐसे जैसे हम किसी रोड पर फिरे अपने घर के सेहत में फिरे, तो महंगाई इतनी ज्यादा हो गई, लोग बाजार आना ही छोड़ दिया उन्होंने, बहुत महंगाई हो गई है। हाँ। और हमारे यहाँ रमजान में ना मस्जिदों में बहुत ज्यादा अफतारी भेजी जाती है, खाली क्योंकि जितने अफतारी लोग करेंगे एक होता है खुशियां भी बांटी जाती है और सवाब भी होता है। लेकिन इस दफा जो हमारे गली में बिल्कुल मस्जिद है बिल्कुल सुनसान है, लोग अपने बच्चों को नहीं पूरा करें तो मस्जिद में कौन ट्रे भर भर के नमाजियों के लिए अफतारी भेजेगा। तो हालात बहुत ज्यादा खराब है हमारे। और याना जी बार बार कह रही थी कि उस पार के जो लोग हैं वो हमारे भाई बहन हैं, गवर्नमेंट को उनके लिए सोचना चाहिए। जनाब हमारी गवर्नमेंट ने तो हमारा ये हाल किया है, जब आपके सर पे साया करने वाले लोग ही बेईमान निकल आए, करप्ट निकल आए, तो आप किसका दरवाजा खटखटाएंगे। हमारे साथ ये चीज है। और ये जो ये कह रही हैं कि मुल्क को और गुर्बत की तरफ धकेलो, अवाम को और टफ टाइम दो, अवाम गुर्बत से मरे, रोज लोग मर रहे हैं, लड़ लड़ के मर रहे हैं, लोग एक दूसरे के साथ छीना चपटी कर रहे हैं, तो ये जानबूझ के इन्होंने सब किया हुआ है ताकि हमें बाहर से डॉलर आए, हमें अपने बच्चों के फीसें देनी है, ये जो हुकूमत में लोग बैठे थे, ये मेरा ख्याल है। और इन्होंने क्या करना होता है कि करप्शन करनी है बाहर, इनके 100 एक्सपेंसेस हैं वो इन्होंने फुलफिल करने होते हैं। तो ये जो चीजें होती है ना ये अवाम को बस तमाशा बनाया हुआ इन्होंने। हाँ। और इनका कोई नहीं है, लेकिन कश्मीर हो गया, भारत की जितनी भी स्टेट हो गई बहुत अच्छा परफॉर्म कर, लोगों को पता है जिस तरह से अब लोग उम्रे करने के लिए जाएंगे, बड़ी ईद आएगी, हज करने के लिए जाएंगे, जहां पे पहले 3 से 4 लाख में जो होता था पहले 8 में कर दिया, अब वही हज 12 लाख में कर दिया। इवन कि इनको अल्लाह के घर लोग जाते हैं उसमें तो वो नहीं रखनी चाहिए, ज्यादा टिकट रख दिया। तो मैं कुछ नहीं कह सकती भाई, मुझे तो बड़ा अफसोस होता है, अगर मैं उस मुकाम पे होती मैं कुछ ना कुछ जरूर करती जो मेरे हाथ में होता, लेकिन हम खुद गरीब लोग हैं, हम क्या कर सकते हैं। एक इंसान बोलेगा, दो बोलेंगे, तीन बोलेंगे, अगर पूरी जब तक यूथ मिलके नहीं बोलेगी ना तो तब तक कुछ नहीं होना, हमारे कहने से कुछ भी नहीं होगा। और ना हम इतने अमीर हैं कि लोगों को राशन दे सकते हैं, हम अपने घर का पूरा कर ले बहुत बात है। तो यही चीज है, पहले यहाँ रमजान में लोग इतने ज्यादा राशन दिया करते थे, पैसे दिया करते थे, अब वही लोग हैं ना राशन दे रहे हैं ना पैसे दे रहे हैं, इवन कि बहुत बुरा हाल है। अब तो ऐसा कुछ लगता ही नहीं है कि भाई रमजान है, ये ईद की तैयारियां, बाजार जो ग्रोसरी 50,000 में होती थी ना अब वो 1 लाख। हाँ, और जो 1 लाख के खरीदा था वो 2 लाख के, और इनकम बढ़ने की टेंशन हमारी है। लेकिन याना जी की वीडियो देख के बहुत अच्छा लगा कि उस पार बड़ा सुकून है और इस पार उतनी ही टेंशन है, तो दो देशों का ये जो वाजिया फर्क है हम सब ने देखा है। सो वीडियो बहुत अच्छी लगी हमें, आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। गॉड ब्लेस यू।